अब इजी हेयर स्टाइल्स ऐसे आ गए हैं कि आप 5 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं और आपकी लुक पूरी चेंज हो जाती है। सो एक तो आपका ये हेयर स्टाइल हो गया, अब हम आपको बताते हैं दूसरा, तीसरा हेयर स्टाइल, और आप इनको कर्ल करें, ऐसे छोड़ें, आप रेडी टू गो हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे अलीज़ा कहते हैं, आप देख रहे हैं अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल को, और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके हर वीडियो के बारे में। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग और कैसी लाइफ गुजर रही है? ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? ड्रेसेस होपफुली बन गए होंगे या टेलर तक पहुँच चुके होंगे या ऑनलाइन आ गए होंगे। अब फुटवेयर भी आप लोगों का रेडी होता है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के बाद एंड वाली जो बात होती है वो ये होती है कि चलो, मेकअप भी हर एक का अपना स्टाइल होता है, वो उस हिसाब से करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल मेकअप करते हैं हर ओकेजन पे। कुछ ज़्यादातर मेरे जैसे होते हैं जिनका एक अपनी एक लुक होती है और वो उन्होंने क्रिएट करनी होती है हर जगह पर इवेंट के हवाले से। आगे पीछे लिपस्टिक का शेड कर लिया या लाइनर की थोड़ी लुक चेंज कर ली तो वो चेंज हो गया, लेकिन मेन चीज़ होती है आपका हेयर स्टाइल। जब तक वो ठीक नहीं होता, इवेंट के हवाले से नहीं होता, उस हिसाब से नहीं होता, आप अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होते हैं सीधे बालों वाले लोगों को कि या वो बाल खोल सकते हैं या वो हाई पोनी बना सकते हैं, वो भी हर थोड़ी देर में ढीली हो जाती है। मेरा अपना सारी ज़िंदगी यही इशू रहा। आप कर्ल्स कर रहे हैं तो आपके कर्ल्स, वो इवेंट शुरू अभी हुआ नहीं और कर्ल्स आपके डैमेज हो गए। सो इन सारी चीज़ों के बहुत सारे हल अब निकल चुके हैं, ये कुछ साल पहले की बातें थी। अब इजी हेयर स्टाइल्स ऐसे आ गए हैं कि आप 5 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं और आपकी लुक पूरी चेंज हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब तक आप अपने बालों पे तवज्जो नहीं देंगे, आपके बाल डिफरेंट नहीं लग रहे होंगे, आप डिफरेंट नहीं लगेंगे। आपके कपड़े, आपका मेकअप, आपके जूते, आपकी ज्वेलरी जितनी मर्ज़ी अच्छी है वो होती रहे, लेकिन आपके बालों को इवेंट के हवाले से होना चाहिए। और उसके लिए आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे टेक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स आप पता होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने बालों को अच्छा कर सकें, ठीक है? अब क्या होता है कि बाल एक साइड से दूसरी साइड पर करने से ही आपकी लुक चेंज हो जाती है, राइट? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जल्दी जल्दी अपने बालों के साथ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करें और फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा ब्रश, जो भी आप यूज़ करते हैं। और मेरे बालों का शुक्र है ये मसला नहीं है कि मुझे बार बार ब्रश करना पड़े। सो आप लोगों ने अच्छे से अपने बालों को पहले ब्रश कर लेना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप, अगर आपके सीधे बाल हैं तो उनको सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेंटर पार्टीशन कर लीजिए, राइट? ओके, ये आपने कर ली। बैक कॉमिंग की अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, आपने अपने बालों को सेंटर पार्टीशन करने के बाद ऐसे उठाया, ये देख रहे हैं आप, ऐसे यहाँ तक। ये देखिए, ये, और आपने पिन लगा दी। फिर से बताती हूँ, ये बाल हैं ऐसे, यहां तक बस उठाना है आपने। ये देखिए, ये आपका एक, आप स्प्रे कर लीजिए या इस तरह से अपने, अगर आपके हेयर कट है, लेयर्स हैं आगे से, तो आप इस तरह से एक समर्स का माथे से दूर हटाने वाला एक हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, सिर्फ 2 पिन्स के साथ हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और है कि आप अपने सारे बालों को टाई करके ऐसे करके आप इनको पोनी भी बना सकते हैं। सो एक तो आपका ये हेयर स्टाइल हो गया, अब हम आपको बताते हैं दूसरा। इसमें जिस साइड पर आपको लगता है कि आपकी लुक ज़्यादा अच्छी आती हैं,
आपने अपने बालों को उस साइड पे करना है। ये देखिए, आपने अपने बालों को ऐसे उठाना है। ये इस तरह दो, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। ये देखिए, यहाँ पर आप कोई एक्सेसरी लगा सकते हैं, हेयर पिन लगा सकते हैं। मैंने सोचा था रखूँगी, लेकिन मैंने वीडियो शूट करने से पहले नहीं निकाली। सो आप यहाँ पर लगाकर एक अच्छा सा हेयरस्टाइल बना सकते हैं। यहाँ से बालों को कर्ल्स भी कर सकते हैं, स्ट्रेट रखना चाहें स्ट्रेट रख सकते हैं। लेकिन ये 2 मिनट 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट में बन सकता है। फिर अगर आपको लगता है कि आपने इसको ज़्यादा ऐसे करना है, तो ऐसे ऐसे आप करके स्प्रे कर लीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं तीसरा हेयर स्टाइल। तीसरा, इसमें आपने क्या करना है कि अपने बालों को इसी तरह से पहले ट्विस्ट करना है, आप इसको साइड मांग से भी कर सकते हैं और फ्रंट मांग से भी कर सकते हैं, सेंटर मांग से। थोड़े से बाल निकाल लीजिए ताकि वो बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल टाइट टाइट सी लुक ना आए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अपने सारे बालों को अच्छा, और यहाँ से थोड़े से बाल आपको निकालने हैं। इस तरह की एक पोनी लीजिए। साथ में आपने क्या करना है कि अपने बालों को अच्छी तरह एक राउंड राउंड करके जूड़े की शक्ल दे देनी है। उसके ऊपर आप इस तरह का कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक ये देखिए, ये देखिए, और आप इनको कर्ल करें, ऐसे छोड़ें, आप रेडी टू गो हैं, राइट। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये 3 हेयर स्टाइल। आप इनको अपनी मर्ज़ी से, इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकती हैं। ट्विस्ट हमेशा इन होते हैं, काफ़ी सालों से ये बहुत इन है, क्यूट बहुत लगते हैं और स्ट्रेट बालों में, कर्ली बालों में, हर एक में अच्छे लगते हैं। आप इस तरह, इस तरीके से अपने बालों को स्टाइल देके ईद पे काफ़ी डिफरेंट नज़र आ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा जूड़ा, मेरा ख्याल निकल रहा है। एनीवेज़, मैं इसको सेट करती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।